भय के बिना प्रीति नहीं होती। अगर भय मिट गया तो प्रीति मिट जाएगी, और भय है तो प्रीति है। प्रेम में बड़ा भय लगता है, प्रेम में इस बात का भय लगता है कि कहीं प्रेम टूट न जाए, ये डर रहता कि नहीं रहता? जैसे तुम हमसे बहुत प्रेम करते हो लेकिन तुमको डर लगता है कहीं गुरुदेव जी के इच्छा की प्रतिकूल बैठूं ना, गुरुदेव असंतुष्ट ना हो, उनका प्रेम बना रहे, ऐसा तुमको डर लगता है। मुझको भी डर लगता है तुमसे कि मैं भी ठीक से बैठकर प्रवचन सुनाऊं, कहीं टेढ़ा मेढ़ा न बैठूं, तुमको बुरा न लगे। तो ऐसा ये भय, ये प्रेम के भीतर भय समाया होता है, और जब भय समाप्त हो जाता ना तो मनुष्य उदंडता करता है, ऊटपटांग बैठेगा, ऊटपटांग बोलेगा, उल्टा पलटा व्यवहार करेगा, उल्टा पलटा बर्ताव करेगा, मनमानी करेगा, इधर उधर लफंगेबाजी करेगा, तो प्रेम टूट जाएगा। भय प्रेम की रक्षा करता है, और भय निकल गया तो प्रेम भी निकल गया, भय प्रेम के साथ में रहता है। तुम्हारा जिससे प्रेम नहीं उससे तुमको बिल्कुल डर नहीं लगता है, चाहे कुछ करे उसके सामने तुम बेड़ी पी सकते हो, लेकिन जिससे बहुत प्रेम है, जिससे मुझसे प्रेम है, तो तुम्हारा बीड़ी पीने का मन होता है तो भी नहीं पीते हो, बैठे रहते हो चुपचाप कि नहीं पीऊंगा, गुरुजी को अच्छा नहीं लगेगा। और फिर जब पीना होता है ना तो तुम सत्संग जब छूटता है तो फट से उधर निकल जाते हो, उधर दो काम करके आते हो, पेशाब और बीड़ी का हिसाब दोनों करते। लोग सोचते इतनी देर क्यों लग गई, डबल काम हो रहा है, देर तो लगेगी। प्रेम में कभी उदंडता नहीं होती है, ना ना, प्रेम बड़ा समझदार होता है। और प्रेम हमेशा डरता रहता है, प्रेमी प्रेमी को डरता भी है, कहीं भूल चूक ना हो जाए, कहीं गलती ना हो जाए, कहीं त्रुटि ना हो जाए, कहीं मुझसे मिस्टेक ना हो जाए, कहीं प्रेम में कोई बाधा ना पड़ जाए, इसलिए गम भी खा लेता है, सह भी लेता है और संतोष कर लेता है। ये प्रीति, भगवान राम ने जो ये सेंटेंस दिया, कोटेशन छोटा सा, कि भय बिन होई न प्रीति, भय बिन होई न प्रीति, तो भय के बिना प्रीति भी नहीं रह जाती है। जो पत्नी अपने पति को बिल्कुल नहीं डरती है, उस पति और पत्नी का संबंध थोड़े ही दिनों में टूट जाता है। जो पत्नी अपने पति को डरती है थोड़ा, कि समय पर सोकर नहीं उठूंगी तो उनको अच्छा नहीं लगेगा, समय पर भोजन नहीं बनाऊंगी तो नाराज हो जाएंगे, और समय पर अगर सफाई नहीं घर की करूंगे तो वो पसंद नहीं करेंगे। और जो पति अपनी पत्नी को बिल्कुल नहीं डरता है, वो दारू पिएगा, गाली बगेगा, ऊटपटांग काम करेगा, मांस मछली खाएगा, आधी मुर्गी खाएगा, आधी हाथ में पकड़ के लाएगा, अपनी पत्नी के ऊपर डाल देगा, तो उनका उनका रिश्ता टूट सकता है, संबंध टूट सकता है। इसलिए पति को भी पत्नी से डरना चाहिए, और पति को पत्नी से डरना चाहिए, पत्नी को पति से डरना चाहिए, भाई को भाई से डरना चाहिए। आपको अगर डर लगता है थोड़ा तो समझ लो आपके अंदर प्रेम जिंदा है, और जिस दिन डर खत्म तो प्रेम भी खत्म।